हेलो व्यूवर्स, आज मैं आपको ये दस्ताना हैंड ग्लव्स बनाना बताने जा रही हूँ, क्योंकि बहुत सारा डिजाइन बता दी हूँ। अब ये दस्ताना हैंड ग्लव्स जो आप बड़े का भी बना सकते हैं, बच्चों का भी बना सकते हैं। कभी कभी मार्केट में कलर नहीं मिलने से बहुत ही परेशानी होती है, इसलिए ऊन तो हर कलर का मिल जाता है, आप आसानी से उसको लेके बना सकते हैं। बहुत ईजी है बनाना इसका। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है आपको, फंदा डालना है। फंदा डालना मैं बता चुकी हूँ आपको, फंदा डालना है। उसके बाद बॉर्डर बनाना है, एक उल्टा एक सीधा या दो उल्टा दो सीधा, जिस तरह भी बॉर्डर चाहिए आपको, आप उस तरह वो बॉर्डर बना सकती हैं। अब वो बॉर्डर बनाने के बाद चार अंगुल तीन अंगुल जो भी आपका हो उस तरह से, इस तरह से नाप लीजिएगा, या इस तरह से ढाई इंच दो इंच ढाई इंच बॉर्डर जो कलाई में आता है ये बनाना है आपको। उसके बाद क्या करना है आपको, जब बॉर्डर कंप्लीट हो जाएगा तो आप इसको दस नंबर सिलाई से और फोर प्लाई ऊन है उससे बना रही हूँ इसको। आपको यहाँ मैं फंदा डाली हूँ कितना, 45। ये थोड़ा बड़ा का है जो हम लोगों के हाथ में, सभी के हाथ में आ जाएगा, और छोटे बच्चों के लिए आप 30, 25, 30, 0 से 1 ईयर 3 ईयर के लिए आप 30 फंदा डालिएगा, उसके बाद 35, फिर 40, फिर 45। तो ये 45 फंदा है, 45 फंदा, इसमें मैं अभी 10 फंदा बढ़ाऊंगी तो ये 55 फंदा हो जाएगा। तो ये उसका देखिए दस्ताना का ग्लव्स का पहला स्टेप। पहला पार्ट है, देखिए बॉर्डर तो सभी जानता है, फंदा डालना बॉर्डर। उसके बाद ये देखिए यहां से आपको दो फंदा चार फंदा के बाद एक फंदा बढ़ा लेना, 10 फंदा गिन के देखिए 5 फंदा मैं बिन ली हूं। अब इसमें एक फंदा बढ़ाऊं, किस तरह बढ़ता है ये देखिए। इसको पहले आगे के साइड से इस तरह ले लीजिए, इसी फंदे को पीछे के साइड से इस तरह से लीजिए, एक का दो हो गया, फिर स्लिप कीजिए, गिराइए, एक का दो हो गया, पांच के बाद, फिर पांच के बाद ये एक फंदा बढ़ गया, 1, 2, 3, 4, 5, फिर उसके बाद एक फंदा, इसी तरह से आगे साइड से फिर पीछे साइड से, फिर दो लेके एक साथ गिराइए, दो फंदा बढ़ गया, 1, 2, 3, 4, 5, फिर यहाँ से इसी तरह से आपको 3 फंदा बढ़ गया, 1, 2, 3, 4, फिर यहाँ पे देखिए 4 फंदा बढ़ गया, बढ़ा देखिए 1, 2, 3, 4, फिर देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, फिर यहाँ पे आप 5 फंदा बढ़ गया, 1, 2, 3, फिर देखिए 6 फंदा, 1, 2, 3, फिर यहाँ 7 फंदा, 1, 2, इसी तरह से आप 10 फंदा बढ़ा लीजिएगा। कितना फंदा हो गया, अब ये देखिए 10 फंदा बढ़ा चुकी हूँ मैं। इससे 10 फंदा बढ़ाने के बाद रॉन्ग साइड से उल्टा रो बीन चुकी हूँ, अब ये आ गया सीधा रो, राइट साइड पूरे बीनने के बाद दो रो क्या करना है आपको, देखिए इससे इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27 फंदा, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 2, 16, 2, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 27, 27 फंदा हो गया।
अब ये दोनों को देखिए इस तरह से मोड़ लीजिएगा इसको इस तरह से, और तागा यही है, इसको बिनना नहीं है अभी। इसको क्या करना है, अब एक इस तरफ से, ये देखिए लीजिए, एक इस तरफ से लीजिए, एक इस तरफ से, 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 इस तरह से, एक इस तरफ से, एक इस तरफ से, एक इसी तरह से पूरे फंदा इस रो में चढ़ा लीजिए, इस कांटा में। देखिए इसको इसमें मैं दोनों तरफ से इसमें फंदा डाल ली हूँ। देखिए इस तरह से ये अंदर दिखाई देगा, ये देखिए इस तरह से। अब इसको कैसे आपको बिनाई करना है, देखिए इसको पीछे वाला को उतार लेना है आपको, देखिए, और आगे वाला को देखिए इसमें ये है, इसको बिनना है आपको, ये पीछे उतारना, आगे वाला बिनना, फिर ये पीछे उतारिए इस तरह से, आगे वाला बिनिए, पीछे वाला इस तरह उतारिए, आगे वाला बिनिए। यहाँ गलती नहीं करना, अगर आपका ये बिना जाएगा तो ये सिलाई के तरह हो जाएगा, यहाँ सिला चला जाएगा। फिर इसको उतारिए, देखिए पीछे वाला उतारे, आगे वाला बिनिए, अपने आप इसमें पता चल जाता है, ये देखिए इस तरह से, ये पीछे वाला, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल आसानी से पता चलता है। देखिए पीछे वाला इस तरह उतार लीजिए, आगे वाला इस तरह से बिन लीजिए, इसी तरह से पूरे रो कंप्लीट कीजिए, पीछे वाला उतार के आगे वाला बिन के, यहाँ तक ये पूरे रो कंप्लीट कीजिए। अब ये देखिए पूरा रो कंप्लीट हो चुका है, एकदम ध्यान से आपको बिनना है, ध्यान हटेगा जरा भी भूल चूक हुई और ये इसमें अंदर सिलाई हो जाएगा, सिलाई के तरह दोनों बिना चला जाएगा, तो उससे आपका ये खराब हो जाएगा, फिर दोबारा खोलना पड़ेगा, इसको ज्वाइंट हो जाएगा दोनों मिलके। अभी ये दोनों तरफ से दो पार्ट में बिना जाएगा इस तरह से। तो अब आ गया इसका दूसरा रो जो डिजाइन उसका, ये देखिए ये बिना हुआ साइड है, इसको उतारना है, ये आगे वाला है, इसको बिनना है आपको इस तरह से। फिर ये पीछे वाला देखिए एकदम पता चल जाता है, पीछे वाला इस तरह से उतारिए और आगे वाला बिनिए, इस तरह से आप 2.5 इंच बिन के तैयार कीजिए, फिर पीछे वाला उतारिए, आगे वाला बिनिए, बस इसी तरह से आपको ये पूरा करना है, पीछे वाला उतारना है, आगे वाला बिनना है, इस तरह से पीछे वाला उतारना है, आगे वाला बिनना है, दो में आ जाता है, देखिए कितना अच्छा से ये पीछे वाला उतर जाता है, आगे वाला बिना जाता है, ये लास्ट तक इसी तरह से। अभी 2.5 इंच आपको इसी तरह बिन के कंप्लीट कीजिए। अब ये देखिए ये हो गया, दूसरा रो बिन आ गया, फिर तीसरा रो में मैं सही से आपको बता दे रही हूँ, आप कंफ्यूज ना हो जाए। ये देखिए ये वाला उतर गया, पीछे वाला बिना हुआ, ये आगे वाला बिना जाएगा, फिर पीछे वाला उतरेगा, आगे वाला बिना जाएगा, पीछे वाला उतरेगा, आगे वाला बिना जाएगा, पीछे वाला उतरेगा, आगे वाला बिना जाएगा, पीछे वाला उतरेगा, आगे वाला बिना जाएगा। देखिए एकदम ध्यान से बिन गया तो गया आपका, पूरे उतार खोलना पड़ेगा, फिर शुरू से यहाँ तक, फिर दोबारा बिनना पड़ेगा आपको। मुश्किल से 1 घंटा में एक दस्ताना आप आसानी से तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही आसानी से। जब कभी मार्केट में बच्चों का दस्ताना यूनिफॉर्म के हिसाब से नहीं मिलता है, कलर के हिसाब से, तो ऊन लेके हम लोग आसानी से इस तरह बिन के दे देते हैं। और दो ही सलाई से, ये देखिए बस ये हो गया, देखिए इस तरह से बिना जाएगा। अब ये आप मैं यहाँ तक, ये हुआ यहाँ, यहाँ तक देखिए 3 अंगुल यहाँ तक बिनने के बाद फिर ये अंगूठा निकालूंगी, तब बताती हूँ आपको। अब ये देखिए यहाँ तक मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ, जैसे ये यहाँ तक। अब यहाँ से ये वाला अंगूठा बिनना बताऊं कैसे ये बिना जाता है, तो ये देखिए आपका अंगूठा में मैं
13 फंदा रखूंगी। देखिए यहाँ से ये वाला उतरेगा बिना हुआ आगे से, ये आगे वाला 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 फंदा मैं अंगूठा में रखूंगी। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12 यहीं से इसको टर्न कर लेना है आपको, यहीं से घुमा लेना है। अब इसी 12 फंदा को आपको ऊपर तक पूरे लंबाई में बिनते जाना है, इसी 12 फंदा को तक इस तरह घुमाइए, इसको उतारिए, जो आगे वाला है बिनिए, जो पीछे वाला है उतारिए, फिर जो आगे वाला है पीछे वाला उतारिए, जो आगे वाला है बिनिए। इसी तरह से ये लंबाई में पूरे अंगूठा के बराबर कर लीजिए आप, फिर इसको यहीं से टर्न कीजिए, घुमाइए, फिर ये जिस तरह से है इसको इसी तरह से, बस ये दोनों एक साथ नहीं बिना हुआ, पीछे का नहीं बिनना हो बिनिए, क्योंकि ये फिर ज्वाइंट हो जाएगा दोनों मिलके, क्योंकि ये एक साथ ही दोनों तरफ का बिना जाता है। इसी तरह से ये पूरा बिनने, इतना बिनने के बाद मैं बताती हूँ आपको। अब ये देखिए ये अंगूठा बनके कंप्लीट हो चुका है। अंगूठा कैसे नापिएगा आप, इस तरह से रखिए, यहाँ तक इस तरह से नाप लीजिए, इसको इस तरह से नाप लीजिए, देखिए ये हो गया कंप्लीट। अब इसको उतारना है आपको कि किस तरह से उतरेगा, देखिए ये देखिए इधर से 2 फंदा 2 का 1 कर लीजिए, फिर इसको उतारिए, इसको बिनिए, 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 फिर इधर 2 का 1 कर दीजिए, फिर धागा आगे कीजिए, फिर इधर दो का एक कीजिए, फिर इसमें जैसा है एक बिनना है एक उतारना है, एक बिनना है उतारना है, एक बिनना है एक उतारना है, फिर ये 2 का 1, फिर इधर से 2 का 1, फिर एक बुनिए एक उतारिए, फिर एक बिनिए एक उतारिए, फिर ये 2 का 1, फिर इस तरफ से देखिए, फिर इस तरफ से आपको इसी तरह से 2 का 1 करना है, ये देखिए, फिर एक बिनना है एक उतारना है, फिर 2 का 1 कर देना। थोड़ा कोना बना हुआ ये उतरता है, एक साथ भी उतार सकते हैं, एक साथ में उतना कोना नहीं बनता है, इसमें कोना थोड़ा सा बन जाता है डिजाइन अंगूठे का इस तरह से गोलाई में। अब इसको एक साथ आप उतार लीजिए सबको, 2 का 1, फिर ये 2 का 1 करके इस तरह से, देखिए इसको इस तरह से नोट बना लीजिए और इसको यहाँ पे काट लीजिए, देखिए नोट बनाने के बाद इसको काट करके इसको काट लीजिए। अब एक अंगूठा आपका एक अंगुली कंप्लीट हो गया है, देखिए अंगूठा ये देखिए किस तरह से
बना है, इसका नोक भी दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये देखिए, देखिए कितना खूबसूरत इसका नोक बना, कितना प्यारा सा। देखिए अंगूठा कंप्लीट हो चुका बिन के। अब इसको अब ये देखिए, ये देखिए, ये पहला स्टेप इसका कंप्लीट हो चुका है। ये बनना के ये अंगूठा बन गया। ये जरूरी नहीं है कि आप इस तरह से ही अंगूठा इस साइड से ही बनाइए, इस साइड से भी आप बना सकती हैं अंगूठा को, कोई भी साइड से आप बना सकती हैं। उसके बाद आप ये वाला पोर्शन, अभी ये यहाँ तक बन गया है इस तरह से देखिए। अब दूसरा वाला पोर्शन इतना दूर और ये चार अंगुल बनेगा। ये पहला स्टेप कम्प्लीट हो चुका है आपका, और दूसरा स्टेप मैं इसके बाद दूसरा वीडियो में बनाकर बताऊंगी आपको। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना आसान है बनाना। बहुत आसानी से आप इसको बनाकर यूज कर सकती हैं। अगर आपको कोई भी इसमें परेशानी हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।